दोस्तों, बहुत से लोग ये समझते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन एक देश है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में ग्रेट ब्रिटेन एक अलग ही भूभाग है, और जब ग्रेट ब्रिटेन तीन और ऐसे ही हिस्सों से जुड़ता है जिनके नाम हैं इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और नॉर्थ आयरलैंड, तब ये चारों मिलकर निर्माण करते हैं यूनाइटेड किंगडम का, जिसे हम यूके भी कह सकते हैं। खैर, आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ ग्रेट ब्रिटेन से जुड़े कुछ बेहद ही अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए करते हैं शुरू, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ग्रेट ब्रिटेन की हिस्ट्री के बारे में बताने से पहले एक बात जानना बहुत ही जरूरी है कि ग्रेट ब्रिटेन उत्तरी पश्चिमी फ्रांस और पूर्वी आयरलैंड में एक द्वीप है। ये आयरलैंड यूरोपीय महाद्वीप का एक हिस्सा है। इसी के साथ ग्रेट ब्रिटेन दुनिया का 9वां बड़ा द्वीप है, जिसका एरिया 209,331 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। आइए अब जानते हैं ग्रेट ब्रिटेन का इतिहास। 1282 ईस्वी में इंग्लैंड ने वेल्स द्वीप पर विजय प्राप्त की थी और 1707 ईस्वी में स्कॉटलैंड को इंग्लैंड में शामिल कर लिया गया। इसीलिए यूनाइटेड किंगडम एक देश है और ग्रेट ब्रिटेन एक आइलैंड। हालांकि ग्रेट ब्रिटेन का अपना खुद का झंडा है, अपनी अलग संस्कृति है, लेकिन जब ग्रेट ब्रिटेन के लोगों का पासपोर्ट बनता है तो वह यूनाइटेड किंगडम का पासपोर्ट बनता है, और इसीलिए यहाँ के लोग भी यूके के नागरिक ही कहलाते हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि आप केवल यूके को ही देश कह सकते हैं, जबकि ग्रेट ब्रिटेन केवल एक आइलैंड है, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन यूके का एक हिस्सा है। जो राजधानी यूके की है वही राजधानी ग्रेट ब्रिटेन की भी है, जिसका नाम हमेशा सबकी जुबान पर रहता है, और वो है लंदन। दोस्तों, क्या आप कभी लंदन गए हैं? कमेंट में जरूर लिखें। बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। दोस्तों, ग्रेट ब्रिटेन में उसी पैसे को इस्तेमाल में लाया जाता है जिसे यूके इस्तेमाल करता है, यानी के यहाँ पर पाउंड चलता है, जो एक पाउंड भारत के लगभग 94 रुपए के बराबर रहता है। आज के समय में पूरे ग्रेट ब्रिटेन में लगभग 7 करोड़ लोग रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं, और यहाँ आपको हर तरह की आज़ादी देखने को मिलेगी, खास तौर पर महिलाओं के लिए। हालांकि एक समय था जब यहाँ फ्रेंच बोली जाती थी, लेकिन आज के समय में ग्रेट ब्रिटेन की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। यहाँ की नाइट लाइफ, यहाँ की सड़कें, यहाँ की मौज मस्ती और यकीनन यहाँ की सुंदर और तेज तर्रार महिलाएं, चाहे आप यहाँ की सड़कें ले लें, बिजली पर ध्यान दें, कानून व्यवस्था पर चर्चा करें या फिर राजनीति पर, यहाँ आपको सब कुछ उच्च कोटि का नजर आएगा। दोस्तों, जैसे हमने मूवीज में इंग्लैंड के कई नज़ारे देखे हैं, ठीक वैसा ही यहाँ सच में होता है। यहाँ के लोग जो काम करते हैं उसे सही समझते हैं, भले ही वो काम देह व्यापार का ही क्यों ना हो, लेकिन ईमानदारी होनी चाहिए। यहाँ के अधिकांश लोग पढ़े लिखे होते हैं। दोस्तों, अगर आप ग्रेट ब्रिटेन जाना चाहते हैं तो आपका वीजा ग्रेट ब्रिटेन के नाम से नहीं बल्कि यूके के नाम पर लगेगा, जिससे आप ना सिर्फ ग्रेट ब्रिटेन बल्कि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्थ आयरलैंड में भी विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, लंदन जो यहाँ की कैपिटल है उसे वर्ल्ड के सबसे एक्सपेंसिव सिटीज में गिना जाता है। मतलब यहाँ रहने वाले लोग ज्यादातर या तो करोड़पति हैं या फिर लखपति। अगर ऐसा नहीं होता तो रहने के लिहाज से लंदन को दुनिया का सबसे महंगा शहर माना ही नहीं जाता। ग्रेट ब्रिटेन की एक और चीज दुनिया भर में फेमस है, और वो है यहाँ की नाइट लाइफ। यहाँ पर आपको रात में नाइट क्लब्स और बार के पास महिलाएं या पुरुष भारी संख्या में दारू पीकर भंड मिलेंगे, जिन्हें कुछ अता पता ही नहीं होता कि उन्हें जाना कहाँ है, और अक्सर इसी तरह कई लोग सड़कों पर पड़े देखे जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।